मैं डिकेश साहब को आमंत्रित करूं, क्योंकि हमारे टोल नाका पर 100 दिन से लगातार धरना चल रहा है। वो साथी डिकेश साहब को हल देना चाहते हैं। वो साथी अपना हल दे, उससे पहले 2 मिनट में मैं उन तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस लड़ाई को एक करने के लिए आज किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगरिया की सावन धरती पर राकेश टिकैत के स्वागत और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए अपना अमूल्य समय दिया है, उनका हम धन्यवाद करेंगे। हम धन्यवाद करेंगे हमारे तमाम पूर्व विधायकों का, तमाम उन कार्यकर्ताओं का चौधरी जो इस आंदोलन के अंदर सक्रिय रूप से गांव गांव में जाके और तमाम लोगों को यहाँ एकत्रित करने के लिए कार्य किया है और मंच के अनुशासन को बनाकर रखा है। और हमारे तमाम नेताओं ने नीचे बैठकर शांति से जिस तरीके से इस आंदोलन के अंदर इस आंदोलन की मजबूती में आहुति दी है, उसके लिए वो बधाई के पात्र है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि इस आंदोलन को हम चरम पर लेके जाएंगे। जिस दिन दिल्ली का आह्वान आएगा, बच्चा दिल्ली जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद। अब राकेश टिकैत साहब आपके सामने अपनी बात कहेंगे। राकेश टिकैत साहब धन्यवाद, मंच का अध्यक्ष जी का धन्यवाद। और जो यहाँ पे किसान आए हैं, नौजवान साथी आए हैं, मेरी माताएं बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, सबका धन्यवाद। और एक बहुत अच्छी बात आपने जो यहाँ पे बताई कि व्यापारी, दुकानदारों का, रेहड़ी पटरी वालों का, मजदूरों का, जिन ने भी इस आंदोलन में सहयोग दिया है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आंदोलन अब किसान का नहीं रहा, आंदोलन तो सबका है। अगर अनाज ठीक रेट पे बिकेगा तो पैसा सीधा दुकान के पास में जाता है दुकानदार के, और वो भाषा पूरा सर्कुलेट होता है, वो उसी जिले के मजदूर पे भी जाएगा। अगर हमको ईंट खरीदी तो भट्टे पे भी जाएगा, सीमेंट वाले पे भी जाएगा, सरिया पे भी जाएगा। और अगर अनाज की ही कीमत आधे रेट में अनाज बिकेगा तो इसका मतलब पूरे जिले का, पूरे देश का पैसा आधा होगा, तो आधा ही सर्कुलेट में घूमेगा। ये बिल्कुल ठीक है कि आंदोलन अब किसान का नहीं रहा, आंदोलन लुटेरों के हाथों से बचाना पड़ेगा। आंदोलनकारियों को जो देश को लूटने आए हैं उनसे बचाना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई है, आंदोलन में सब शरीक होंगे जब ये देश बच सकता है। युद्धवीर सिंह ने बताया, सब लोगों ने बताया यहाँ पे कि कौन कौन सी कंपनी आ गई, कितने बड़े गोदाम उनके बने, और एमएसपी पे लड़ाई लड़ रहे हमारे सब लोग। पिछले 100 दिन से ज्यादा हो गए कि एमएसपी पे कानून बना दो, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो भारत सरकार ने तय करा है, जो पार्लियामेंट में अंदर तय हुआ है कि इससे कम पे अगर बिकेगा तो किसान को नुकसान होगा। ये बहकाने का काम कर रहे। एक दिन एक बयान ले लिया हमने तो उसको बहुत हाईलाइट करा के एक चैनल ने चलाया। हमने कहा कि 1967 के आधार वर्ष मान के हमारे फसलों के रेट तय कर दो। हम 1967 में 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद लेते थे। 1967 में जो सैलरी थी कर्मचारी की वो 70 रुपया थी और गेहूं का रेट 76 रुपये क्विंटल था, वो 1 महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। भट्टे की जो अब्बल ईट आती थी वो 1 क्विंटल गेहूं में 2500 ईट आ जाती थी, 30 रुपये की 1000 ईट आती थी। तो उन्होंने क्या चलाया, उन्होंने कहा कि अब ये जो आंदोलन चल रहा है, अब आम जनता समझ जाए, ये आंदोलन चल रहा है कि 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना है, तो गेहूं का रेट ये 18000 रुपये क्विंटल मांग रहे हैं, इनसे जनता दूर हो, इनके खिलाफ आंदोलन करो, ये तो 18000 रुपये क्विंटल गेहूं का भाव मांग रहे हैं।
बोला ये पूरा हार्डलाइन चलाई उस चैनल में। अरे हमने कहा कि ये तो अगर हमारा हिसाब करना है तो हमारा ये बैठता है, हमारे बुजुर्गों को अनपढ़ रखा, हिसाब किताब में गलती आपने करी, हम तो आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। आज हम 2000 रुपए का अगर भाव मांग लिया जो सरकारी रेट है तो क्या गुनाह कर दिया हमने? हमको तो मांगना चाहिए बाजार भाव पे। अगर कीमतें बढ़ी है हम देश की तो किसान की फसलों की कीमतें क्यों ना बढ़े? लेकिन जो लुटेरे हैं, जो आपकी फसलों को आधे रेट में लूटते हैं, वे नहीं बढ़ाएंगे आपकी फसलों की कीमतें। 100 दिन से ज्यादा लोग बटे हैं, 250 से 300 लोग हमारे वहां शहीद हो गए किसान, लेकिन किसान तस्मस, तो सरकार तस्मस नहीं हो रही। और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसलों को कहीं पर भी बेच लो, ये शुरुआत अब होगी। हमने भी कह दिया कि कहीं पर ही बेचेंगे, हम भी अपनी फसलें कहीं पर भी बेचेंगे। तो अपनी फसलों को किसानों को ले जाना पड़ेगा। हरियाणा बॉर्डर आपके नजदीक है, इनके यहां ले जाना पड़ेगा अपनी फसलें, इनके डीएम के ऑफिस पर ले जाना पड़ेगा, एसडीएम के वहां पर ले जाना पड़ेगा। दिल्ली में पार्लियामेंट पे जाएंगे अब की बार, तो झुट्टू का आयल में कि किसान लाल किले पे गया, हम नहीं गए लाल किले पे। अरे हम जाएंगे जहां कानून बने हैं, जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा तारीख, अब क्या कहे कि आपके पार्लियामेंट पे जाएंगे, अपनी फसलों को लेकर जाएंगे, वहां पर ही बेचने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कहीं पर भी बेच लो, हमने कहा कि पार्लियामेंट से बढ़िया कोई मंडी नहीं हो सकती। वही कानून तय हुए हैं, पार्लियामेंट पर तय हुए हैं, वही बेचेंगे। उन ट्रैक्टरों को कोई रोकेगा तो जो भी विभाग रोकेगा, वो भी कान खोल कर सुन लो, जो भी विभाग कहीं पे रोकेगा उसको ही खरीद करनी पड़ेगी सरकारी रेट पे। अपनी खाट, अपनी मच्छरदानी, अपना ट्रैक्टर, खाने पीने का राशन आपको रखना पड़ेगा अपने ट्रैक्टर में। यह आंदोलन लंबा चलेगा। बहुत लोग कहते हैं ये आंदोलन बहुत लंबा चलेगा, इसको ये कब खत्म होगा? हर आदमी को छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटा ट्रैक्टर है तो बड़ा ट्रैक्टर चाहिए, नौकरी छोटी है तो बड़ी चाहिए, आंदोलन भी छोटा क्यों चाहिए? आंदोलन भी लंबा चलेगा। देखो 2021 का जो साल है ये आंदोलन का साल है 2021, और खास करके मेरे जो नौजवान साथी है उनको नौकरियां नहीं, अब उनकी नौकरियां तो चली गई ना, उनको नौकरी मिलनी, बहुत विभाग खत्म होने लग रहे हैं। रेलवे दिखने में ही लगेंगे बहुत बड़ी वो है, 4.5-5 लाख कर्मचारी अगले साल तक रेलवे से हट जाएंगे। टेलीफोन विभाग सब बेरोजगार होंगे, बहुत है, एफसीआई भी खत्म होगी, ये सब खत्म होंगे, प्राइवेट उसमें जाएंगे। ये सर्विस सेक्टर जो था, ये सर्विस सेक्टर नहीं रही, अब तो ठेकेदारी वो रहेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां ठेके लेंगी और सस्ते में मजदूर को रखेंगे। वो आंदोलन भी नहीं कर सकते क्योंकि जो श्रम कानून थे उसमें चेंज कर दिया गया, अब कोई यूनियन नहीं बना सकता, ना कोई परमानेंट होगा। बैंक वाले हड़ताल पे हैं, तो क्या होगा देश का? देश में क्रांति आएगी, ये जन क्रांति है और इसकी बागडोर किसान के हाथ में है, किसान के हाथ में है इसकी बागडोर, किसान ही इस जन क्रांति की अगुवाई करेगा। आपके साथ में सब लोग लगेंगे, जो छोटे दुकानदार हैं यहाँ पे, जो शहरों में दुकान करते हैं, उनका कितना बड़ा उनका योगदान है। वो एक दुकानदार 50-100 लोगों को उधार सामान देता है, उसको लगता है कि जब फसल आएगी, तनख्वाह आएगी, तो जब इसकी तनख्वाह आएगी तो मेरे पैसे ये दे देगा। 2 मॉल एक शहर में खुलेंगे, एक शहर के दुकानदार खत्म।
ये होगा, क्या होगा महंगाई का हाल, डीजल का क्या हाल है, पेट्रोल का क्या हाल है, और यहाँ पर तो संगरिया में तो और भी लाल है आपका, यहाँ से हरियाणा 3-4-5 किलोमीटर, वहां पर यहाँ पर 10 रुपए का अंतर डीजल में, भाई क्या होगा। ये पुलिस फोर्स के लोग यहाँ पर खड़े हैं, सबसे ज्यादा ड्यूटी देते हैं ये लोग, लेकिन जो एमपी एमएलए विधायक होंगे जब अपना कानून बनाते हैं पेंशन कितनी चाहिए, कोई रोला नुक्का नहीं करता पक्ष विपक्ष का, कितनी कर दो पेंशन, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन नहीं, उनकी पेंशन बंद करो, ये नहीं अब यहां पर होगा, या तो उनकी भी पेंशन बंद होगी यानी कि कर्मचारियों को भी मिलेगी। जो पुलिस के जवान हैं, जो खास करके स्टेट 2 की नौकरी जो करते हैं, उनका अगर क्वार्टर आप देख लोगे, वे अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदार को, अगर कोई उनके क्वार्टर पे कोई गया है अपने पुलिस के रिश्तेदारों के वहां, तो बता दें वो लेकर ही जाएगा आपको अपने घर पे, क्योंकि एक कमरे का छोटा सा मकान है उसका, उसको शर्म आती है, अपने माँ बाप को भी अपने मकान पे ले जाते, पुलिस को जवान को शर्म आती है। भारत सरकार को कहा कि इनको कम से कम 1500 स्क्वायर फीट का 2 कमरों का तो मकान दे दो इनको, आप इनसे ड्यूटी चाहे जोधपुर के किसी कोने में लगवा देना, इनके बाल को जब ये पढ़े, जब स्कूल में जाएं, ये जिस मकान में रहे तो उनमें हीन भावना ना आए कि मेरा इतक सा मकान है, मेरे जो दूसरा दोस्त मेरा स्कूल में पढ़ता है उसका बहुत बड़ी उसकी कोठी है। इनकी सैलरियां बढ़नी चाहिए, इनकी जो फोर्सेस के लोग हैं जो नौकरियां दे रहे हैं, कुछ जवान के फोन आए, उन्होंने कहा कि हम किसान संगठन के उसमें नौकरी छोड़ रहे, हमने कहा कि ये गलती मत करो, अपनी नौकरी करो, बेरोजगार हो जाओगे हमारे चक्कर में मत आओ, हम आपकी लड़ाई, आप बॉर्डर पर लड़ाई लड़ो, आप सीमाओं की रक्षा करो, किसान देश की रक्षा करेगा अंदर से। हमने तो पहले ही कहा कि हमारा जो टैंक है जो देश की अंदर सीमाओं में चलेगा वो ट्रैक्टर चलेगा, वही किसान का टैंक है, आप सीमाओं की रक्षा करो अपने टैंक से, हम देश की रक्षा करेंगे अपने ट्रैक्टर से। ये कह रहे कि ट्रैक्टर, इन्होंने 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चल सकता, पाबंदी लगाई। हमने कहा कि दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे देश का ट्रैक्टर चलेगा, और 26 तारीख में 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चलाए, 25 लाख आदमी थे। प्रेस वालों ने कहा कि किसकी जिम्मेदारी इसकी, हमने कहा कि हमने बुलवाए, हमारी जिम्मेदारी है, हमको भगा के ले गए लाल किले पे, हमारे कोई लाल किले पे कोई बिल बने, लाल किले का क्या मतलब, हमारा पार्लियामेंट पे जाने वाले रास्तों पे बैरिकेटिंग, जो रास्ते हमको दिए उस पे बैरिकेटिंग, दिल्ली के रास्ते खोलकर ये बताओगे कि यहां से चले जाओ, भाई गांव का आदमी दिल्ली की सड़कों के चक्रों में फंसाया हमारा लोग, किससे इंसाफ मांगेंगे, कौन सी एजेंसी है कि जो हमको न्याय दे देगी, कोई देश में एजेंसी बची कि जो न्याय दे दे, होगी इनकी भी जांच होगी, जिस जिसको राज्यसभा मिली वो जिस पद पर था उसने क्या क्या फैसले दिए, उनकी जांच होनी चाहिए सबकी, अपने पदों का दुरुपयोग करा, राजनीति पट्टा दिखाया गया कि 2 साल में राज्यसभा है और 2 साल तक उसके पदों का दुरुपयोग करा गया, इनकी जांच होनी चाहिए सबकी, जिन जिन ने उन्हें फैसले दिए हैं। ये होगा देश में कौन करेगा, किस एजेंसी से बात करें, क्या यूएनओ में जाएगी, यूएनओ में जाए हम लोग जब ही देश मानेगा, फिर कहेंगे ये तो बाहर जा रहे हैं संयुक्त मोर्चे के लोग, यहां पर इंसाफ नहीं है, बाहर हम जाना हमारी फसलों के रेट नहीं। बात तो उनकी भी ठीक है, अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो अब तक हमारे संगठन के लोग उसे बात कर लेती, पार्टी की तो सरकार है ही नहीं, उनके भी लोग कैद में हैं, जो बड़े लीडर हैं सब कैद में हैं, नेता मुक्ति अभियान भी चलाना पड़ेगा, करवाएंगे। ये तो जब ठेका ले लिया, पूरे देश का ठेका ले लिया, तो नेता मुक्ति अभियान भी चलवाना पड़ेगा, ये पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी। हमने कहा कि दिल्ली में
हमने मंडी की तलाश कर लिया और सुनना के कि बाप मंडी की तलाश होगी, पार्लियामेंट से बढ़िया मंडी नहीं हो सकती, कहीं डीएम के ऑफिस से बढ़िया मंडी नहीं हो सकती। हमने डीएम के ऑफिस में जो डीसी होता है, कलेक्टर होता है, उसके वहां पे अपनी फसलें बेची हैं उत्तर प्रदेश में। अगर आपको कहीं भाव नहीं मिल रहा तो डीएम डीसी एसडीएम के वहां पे मिलेगी वहां पे। ये पुलिस के लोग अगर रोकने की कोशिश करेंगे, जो भी विभाग रोकेगा सरकारी रेट पे उसको खरीद करनी पड़ेगी। हमारे ट्रैक्टर को जबरदस्ती मत कहीं रोक लेना, अगर कोई पुलिस के लोग रोकेंगे तो थाने में खरीद होगी उसकी, थाने से बढ़िया सुरक्षित जगह नहीं। देखो ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, नौजवान को अपना चार पांच एक फार्मूला है हमारा, उस फार्मूले को याद कर लो, एक गांव एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन, एक गांव एक ट्रैक्टर 10 दिन और 15 आदमी, ये फार्मूला है। हर गांव में कमेटी बना दो और आंदोलन में ऐसे लोगों को ले लो जो रंडवे हो, जोन सुन घर के भी तंग हो, ये आंदोलन उन्हीं से चल जाएगा, उनकी रोटी पानी भिजवाते रहिए आप। ये चलेगा आंदोलन, ये मध्य प्रदेश के लोग तो अभी 10 दिन में उनकी कटाई शुरू हो जाएगी, उनका फसलों का रेट नहीं मिल रहा, उनका गेहूं का रेट है 1400 रुपये क्विंटल, सरसों भी मंदी, चना 30 रुपया किलो उनका बिकेगा, 35 रुपया किलो। हमने कहा के लेकर चलो डीएम के वहां डीसी के वहां लेकर चलो, कोई पुलिस प्रशासन रोक के तो थाने में लेकर चलो, अपनी मच्छरदानी खाट पिड्डी खाने पीने का राशन सिलेंडर अपने घर से निकलो। आप शाहजहांपुर नहीं जा सकते तो हरियाणा के बॉर्डर पर तो जा सकते हो, ये रहा यही आपका आंदोलन यहां से ही शुरू हो जाएगा, अपना पेड़ के नीचे झोंपड़ी डाल लो और अपना आंदोलन शुरू, यहां से ही सब लोगों को निकलना पड़ेगा, नौजवानों को निकलना पड़ेगा। नौकरियां कहीं है नहीं, अनाज सारा व्यापारियों के गोदाम में बंद होगा, व्यापारी बड़े वे हैं घराने, हमारी लड़ाई उनसे है, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। यहाँ पे वक्त भी बहुत हुआ, आप लोगों ने सुना भी, बहुत लोगों ने आपको स्पीच दी, एक ही मूल मंत्र है, वो है नौजवानों के लिए, अपने खेत में जाओ, अपने खेत की मिट्टी अपने शरीर के लगाओ तो आप जमीन से लगाव करोगे, उसको बेचोगे नहीं। अगर ये आंदोलन फेल होगा तो 20 साल में आपकी जमीनें नहीं बचेगी, बड़ी बड़ी कंपनी आएगी आपकी जमीनों को ठेके पे लेगी, आपकी जमीनों को खरीदेगी, किसान के हाथ से पूरी की पूरी जमीनें जाएंगी, आपको फसलों के आंदोलन की वे आपकी जमीन के लिए आपको आंदोलन लड़ने पड़ेंगे। बहुत कंपनियां आएगी, बीज की कंपनी आएगी कि आपको कौन सा बीज बोना है, बिजली की कंपनी आ रही प्राइवेट हो रहे, अगर किसी के पास में 2 पशु हैं तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा उसको, आपका पशुधन भी जाएगा आपकी जमीन भी जाएगी, तो ये सारे काम आपके लिए होंगे। तो नौजवानों से है, मेरे बुजुर्गों से है कि आंदोलन में हिस्सा लो, अब झंडों का महत्व नहीं रहा कि किसका झंडा लग गया कहाँ पे, वो लग गया मेरा नहीं लगा उसका लग गया, सारे बचोगे सारे आंदोलन करोगे तो ये झंडा बचेगा। अगर किसी को किसी झंडे से ऐतराज हो तो राष्ट्रीय झंडा लगा लेना, किसी को कोई ऐतराज नहीं है इससे, आपने बात को सुना। देखो वीर जवान चले, ओ मां
पड़े।